और उधर नॉर्दर्न टाउन सर्किट हाउस के पास श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक पंडाल बनाया गया है। वहीं भुइयाडी में वैजनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह करेंगे। नॉर्दर्न टाउन में 65 वर्ष से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष वर्षा को देखते हुए अग्निरोध सामग्री की मदद से भव्य पंडाल का निर्माण किया गया, जिसमें लोहे के स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए 10 सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इसके साथ ही पंडाल निर्माण अन्य सुविधाजनक श्रद्धालुओं को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जो खासियत ये है कि पहली बार ये स्ट्रक्चरल पंडाल बनी है, और एक पिछले साल में हम लोग बैम्बू द्वारा पंडाल बनाया करते थे। इस बार हमने सोचा कि सीजन भी बहुत रेनी है, वर्षा की संभावना है, तो क्यों ना दर्शकों को ऐसा सहूलियत दिया जाए कि वो आ सके, यहाँ पे आराम से रह सके, वर्षा होने पर भी किसी को कोई दिक्कत ना आ सके। दूसरा, बांस का इस्तेमाल करने से एक आगजनी का डर रहता है, तो वो हम लोग इस बार हटा दिए हैं। हम लोग स्ट्रक्चरल पंडाल यूज़ किए हैं, ऊपर में फ्लेक्स जो यूज़ किए हैं वो फायर प्रूफ है। वायरिंग के ऊपर में खास तरह से ध्यान दिया गया है कि कंप्लीट शीट वायर हो, ऑटो हाई क्वालिटी वायर हो, और एमसीबी और स्विचेस जो है प्रॉपर हो। दो अर्थिंग पीट दिए गए हैं अलग से लोड के हिसाब से, करीब हम लोग 80 किलोवाट लोड का हम लोग सैंक्शन लिए हैं। उसी के मुताबिक वायरिंग सर्किट्स में डिवाइड करके, ताकि लोड कोई एक सर्किट में ज़्यादा ना हो, बराबर सभी में हो, इस तरह का हम लोग ने अरेंजमेंट किया है। इस पूजा पंडाल का 65वां साल मनाया जा रहा है। इस बार कुछ खास करने के लिए खास ये है कि हम लोग की थोड़ा सा डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान, हम लोग का ओपन पंडाल है लेकिन ट्रेडिशनल आर्ट को रखते हुए, आप देखेंगे कि बैम्बू घाट, छोटा सा घाट वगैरह द्वारा लैंटर्न देके हम लोग की थोड़ा सा ट्रेडिशनल, हम लोग का जो विलेज अपब्रिंगिंग, वो एनवायरनमेंट लाने की कोशिश की है। वहीं श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी भुइयाडी में बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस पूजा में पंडाल से विसर्जन तक 15 लाख रुपए का बजट रखा गया है। पंडाल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह करेंगे। समिति ने उद्घाटन समारोह के लिए विशेष तैयारी कर रखी है। इस पूजा के आयोजक पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने जिला प्रशासन से पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का अनुरोध किया है। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी भुइयाडी जमशेदपुर के तरफ से बाबा धाम, देवघर धाम, बुढ़ा बाबा, देवघर बाबा, बैजनाथ बाबा का विशाल देवघर मंदिर हूबहू मंदिर बनाया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ बाबा के नगरी में जितने मूर्तियाँ हैं, मंदिर है, पूरा उस थीम को यहाँ ला रहे हैं हम। जो गरीब गुरबा लोग या जो भी सक्षम व्यक्ति, बहुत लोग इस तरह है कि लोग जा नहीं सकता है, मजदूर क्लास के लोग, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जा नहीं पाता है, पैसा रहते हुए भी नहीं जा पाता है। समय का मैंने कमी के कारण, भीड़ के कारण जमशेदपुर भुइयाडी में बाबा का पूरा मंदिर बनने जा रहा है। उद्घाटन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष झारखंड का सीपी सिंह साहब आएंगे कल 8 बजे, रात्रि 8 बजे, और उसके बहुत सुंदर स्वागत समारोह का तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। जनता जनार्दन और सारे दर्शकगण पंडाल में जो आएंगे, उसका भी ट्रैफिक व्यवस्था, वॉलंटियर, रख रखाव का सारा चीज़ का इंतज़ाम हम लोग जितना सक्षम है, वॉलंटियर हमारे कमेटी, हम लोग करने के लिए तैयार हैं।